एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, पानी अमृत है। यानी कि पहले हम देखें कि जीवित रहने के लिए मनुष्य को कौन कौन सी चीजें जरूरी है। तो आप सबको पता ही होगा कि जीवित रहने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए एक तो पानी चाहिए और खाना, हवा, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। अगर हवा नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हमारी मृत्यु हो जाती है। पानी नहीं मिलता तो थोड़े दिन के बाद हम रह नहीं सकते। और खाना, तो तीन चीज जो हमारे जीने के लिए खूब बहुत ही जरूरी है। और हम देखें कि प्रकृति के तत्व कौन कौन से, तो प्रकृति के मुख्य तत्व पांच है। कौन कौन से? तो आकाश, भूमि, अग्नि, हवा और पानी। भूमि यानी कि धरती, आकाश, हवा, पानी और अग्नि, ये पांच तत्व मुख्य प्रकृति के हैं। उसमें से हम देखें कि सबसे अनमोल तत्व कौन सा है? पानी, जिसके बिना मनुष्य या कोई भी जीव जंतु है वो रह नहीं सकते। सभी को पृथ्वी पर जो भी जीवित चीज है उन सबको पानी की नीड रहती है, जरूरत रहती है। तो पानी है वो प्रकृति का सबसे कीमती तत्व है, यानी कि पदार्थ है पानी। तो पानी है, उसके बिना मनुष्य रह नहीं सकते। इसीलिए तो सब देखे हम प्लेनेट पर, सब जो प्लेनेट है उसमें से अर्थ पर ही सिर्फ पानी है। पीने लायक जो पानी है वो सिर्फ अर्थ पर ही मिलता है। इसीलिए हमारी जो जीव सृष्टि है वो कहाँ पर है? अर्थ पर ही है, बाकी कोई प्लेनेट पर नहीं है। तो यहाँ एक स्टोरी दी गई है रेगिस्तान की, जो स्टोरी बताती है कि पानी कितना जीने के लिए जरूरी है। तो हम देखते हैं लेसन के अंदर। सूरज तप रहा था, धरती जल रही थी। शादी के 2 साल बाद एक राजस्थानी अपनी पत्नी को विदा करकर अपने घर ला रहा था। मरुभूमि की यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था। अभी 18 घंटे की यात्रा शेष थी। सूरज तप रहा था, यानी कि रेगिस्तान की बात कर रहे हैं कि बहुत सूरज, अभी रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट में आपने देखा ही होगा बहुत ही गर्मी होती है। डेजर्ट की जो सैंड होती है वो जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, यानी कि उसमें गर्मी भी बहुत पड़ती है रेगिस्तान में और ठंडी भी ज्यादा होती है। तो सूरज तप रहा था, बहुत ही गर्मी थी। और एक पति पत्नी दंपति जो राजस्थानी थे, तो राजस्थानी पति पत्नी यानी कि पति था वो अपनी पत्नी को विदा कर शादी कर लेकर रेगिस्तान में आ रहा था। मरुभूमि, मरुभूमि किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि। डेजर्ट के अंदर वो यात्रा करते करते पूरा दिन बीत चुका था। एक दिन हो गया था, सुबह से रात तक का एक दिन हो गया था। और अभी भी 18 यानी कि 18 आवर्स की जो यात्रा थी वो उनकी शेष यानी कि बाकी थी। अभी 18 आवर्स बाकी थी उनको घर पहुंचने के लिए। हलक सूखियो है, पानी है, पत्नी ने झिझकते हुए पूछा। उनकी पत्नी जो राजस्थानी कपल थे, तो अपनी जो लैंग्वेज होती है राजस्थानी लैंग्वेज में वो बोलती है, पत्नी झिझकते हुए यानी कि शर्माते हुए बोलती है कि हलक सूखियो, हलक का मतलब होता है गला, हलक सूखियो है, पानी है। वो अपने पति को पूछती है कि मेरा गला सूख रहा है, क्या पानी है? तो उसका पति क्या आंसर देता है? हलक तो मेरो भी सूखियो है, मसक में 2 बूंद पानी रहियो है, ले तू पी, ऊंट को रोकते हुए पति बोला। का पति क्या कहता है कि वो भी राजस्थानी भाषा में आंसर देता है कि हलक तो मेरो भी सूखियो है, हलक यानी कि गला तो मेरा भी सूख रहा है। मशक, मशक किसे कहते? तो रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर पानी रखने की जो पॉलीथीन होती है उसे कहते हैं मशक। तो कहते हैं मशक के अंदर 2 बूंद पानी पड़ा है, यानी कि बहुत ही कम पानी है, कि ले तू पी ले, उसका पति कहता है उसे। ना, सिर हिलाते हुए पत्नी बोली, तू पी। पत्नी क्या कहती है कि 2 बूंद ही पानी, बहुत ही पानी कम है और 18 घंटे बाकी है, तो तू पी ले, यानी कि अपने पति को बोलती है कि आप पी लो। तू पी, ना तू पी, कहते
है कि दोनों में से किसी ने पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया। दोनों कहते हैं कि तू पिए तू पिए, यानी कि दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। अगर वो एक जग पीता है तो दूसरे के दूसरा नहीं पी पा रहा है क्योंकि पानी बहुत कम था, तो दोनों एक दूसरे को कहते कि तुम पी लो तुम पी लो। उसमें से कोई भी नहीं पीता है पानी और वो रेगिस्तान के अंदर इतनी गर्मी में पानी के बिना उनकी मृत्यु हो जाती है, दोनों की मृत्यु हो जाती है या दम तोड़ दिया, यानी कि दोनों मर गए। राजस्थान की यह लोक कथा एक दंपति के आपसी प्यार का तो उदाहरण है ही, साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। पानी अमृत है, हमारे शरीर का 2/3 और धरती का 3/4 भाग पानी है। तरबूज में तो 98% पानी ही है। क्या कहते हैं, राजस्थान की लोक कथा है, राजस्थान की जो प्रचलित कथा है, ये दंपति का आपसी प्रेम बता रहा है, साथ में पानी का कितना महत्व है वो भी इस कहानी के अंदर बता रहा है कि पानी कितना जरूरी है जीने के लिए। पानी अमृत है, हमारे शरीर का 2/3 यानी 2/3, तो वो जो हमारे शरीर का पार्ट है उतना हमारे शरीर में पानी होता है, और धरती का 3/4, धरती का 3/4 भाग पानी होता है, यानी कि जो 4 पार्ट करे पृथ्वी का उसमें से 3 भाग में पानी है। तरबूज में तो तरबूज उसमें वाटरमेलन 98% पानी, आप जो खाते होंगे आपको पता ही होगा वाटरमेलन के अंदर ज्यादातर पानी रहता है, तो 98% पानी ही है। अपनी दिनचर्या में जो को पानी का नित्य प्रति के जीवन में बहुत उपयोग है। दिनचर्या, दिनचर्या किसे कहते हैं, तो रोज का जो काम होता है उसे कहते हैं दिनचर्या। रोज का जो हमारा काम होता है उसे कहते हैं दिनचर्या। तो दिनचर्या में आप देखो जो को, यानी कि आप दिनचर्या अपनी देखो सुबह से लेके रात तक की, तो हम कितना पानी यूज करते हैं सुबह से लेके, तो पानी का नित्य प्रति के जीवन, नित्य प्रति का मतलब होता है हर रोज। यानी कि हर रोज जीवन में उसका बहुत ही उपयोग है। तो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हो, रसोई घर में कितना काम पानी की सहायता से ही होता है। हम देखे कि सुबह से हम पानी पीते हैं, पानी पीकर हमारी प्यास बुझाते हैं। अगर हमें पानी नहीं मिलता है तो हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक चला सकते हैं। अगर ज्यादातर पानी नहीं मिलता ज्यादा दिनों तक तो हमारी मृत्यु हो जाती है, यानी कि पानी के बगैर हम रह नहीं सकते। और हम देखें कि घर के अंदर भी, रसोई घर में भी हम पानी का यूज करते हैं, और खाने बनाने के लिए रसोई घर में, और सफाई करने के लिए, स्नान करने के लिए, तो हर एक जगह पे पानी का बहुत सारा उपयोग करते हैं। चाय बनाना, सब्जी धोना, उसे पकाना, आटा गूंथना, बर्तन साफ करना, क्या यह सब पानी के बिना संभव है? अगर हम देखो कि चाय बनाते उसके अंदर भी पानी डालते हैं, कपड़े धोना, फिर बर्तन धोना, और घर की जो सारी साफ सफाई करनी है वो सारे, आटा गूंथना यानी कि जो हम आटा गूंथते हैं उसके अंदर भी पानी चाहिए। अगर पानी नहीं होता तो ये सारे काम नहीं कर सकते हम, ये सारे काम हमारे रुक जाते हैं। तो पानी सुबह से लेकर रात तक हमारी जो दिनचर्या है उसमें बहुत ही जरूरी है। घर की सफाई, कपड़े धोना, दांत साफ करना, नहाना, ये सारी क्रियाएं पानी की सहायता से ही होती है। बिना पूर्व सूचना, पूर्व सूचना यानी कि पहले से मिली जानकारी, यानी कि बिना पूर्व सूचना के 4-5 घंटे के लिए नल से पानी आना बंद हो जाए तो कितनी मुसीबत हो जाती है, यह तो तुम सब जानते ही हो। क्या कहा है कि अगर हमें
हम जो जो सोसाइटी में आप रहते हो वहां आपको इन्फॉर्म किए बिना पानी बंद कर दे अचानक से, तो कितनी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि स्कूल जाने में, फिर जॉब जाने में, सब में अगर हम पहले सुबह जाना पड़ता है तो हम पहले स्नान करने के लिए, दांत साफ करने, जैसे उठते तुरंत ही हमें पानी चाहिए वॉशरूम के अंदर, तो सारी जगह हमें पानी बहुत ही जरूरी है। अगर बिना इन्फॉर्म किए 4-5 घंटे के लिए पानी बंद कर दे तो क्या होता है, हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे साथ एक दिन आपके घर में पानी ना आ रहा हो तो आपको पता ही होगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है पानी के बिना, कि हमारा कोई काम नहीं हो पाता, तो हमें बहुत ही मुसीबत होती है, यह तो तुम सब जानते ही हो। तो ये पानी की उपयोगिता हम देखिए कि पानी कितना हमारे जीवन के अंदर उपयोगी है, कौन कौन से काम में उपयोगी है। तो पानी अमृत है, यानी कि पानी बहुत ही प्रीसियस है, कीमती है। तो हमें पानी का बचाव कैसे करना है तो ये हम आगे लेसन में देखेंगे। तो यहाँ तक हमने पानी का उपयोग और जो राजस्थानी स्टोरी थी उनसे हमें पता चला कि पानी कितना जीवन के लिए उपयोगी है। सो आगे का जो लेसन है हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।